हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और डिडक्शन का सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 80DD। 80DD बेसिकली डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए हमें डिडक्शन दिलवाता है। डिपेंडेंट, डिसेबल्ड, रिलेटिव, ये तीनों वर्ड देखें तो ये देखिए हेडिंग, डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव। यानी डिपेंडेंट होना चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए और रिलेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपको 80DD का डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले 80DD का डिडक्शन मिलेगा किसे? तो रेसिडेंट, इंडिविजुअल और HUF को ही ये डिडक्शन मिलता है। यानी इंडिविजुअल पर्सन को और HUF के केस में ही 80DD का डिडक्शन दिया जाता है। क्यों, कब मिलेगा? जब इस इंडिविजुअल के ऊपर कोई पर्सन डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो और डिसेबल्ड भी हो। डिसेबल्ड पर्सन अगर कोई हमारे असेसी या इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उस केस में इसको 80DD का डिडक्शन मिल सकता है। तो ये जो पर्सन है वो होली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल होना चाहिए और HUF के केस में मेंबर्स जो डिपेंडेंट हो HUF के ऊपर तो उस केस में मिलता है। तो एक बार दोबारा से करते हैं कि 80DD का डिडक्शन रेसिडेंट, इंडिविजुअल या फिर HUF को मिलता है। कब मिलेगा? जब इस इंडिविजुअल या HUF के ऊपर होली डिपेंडेंट हो। कौन डिपेंडेंट हो? कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। और ये डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव कौन हो सकते हैं? स्पाउस, यानी जो हमारा इंडिविजुअल है उसका स्पाउस, चिल्ड्रन उसके बच्चे, पेरेंट्स, इंडिविजुअल के पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर सिस्टर, ये जो है स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ये सारे डिसेबल्ड होने चाहिए और डिसेबल्ड के साथ ही होली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल होने चाहिए। डिसेबल्ड भी होने चाहिए और डिपेंडेंट भी होने चाहिए इंडिविजुअल के ऊपर। अगर बात करें HUF के केस में तो HUF को भी 80DD का डिडक्शन मिलेगा अगर कोई डिसेबल्ड मेंबर HUF पे होली डिपेंडेंट हो तो उस केस में HUF को भी 80DD का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इतना पढ़ के हमें यह पता चल गया कि 80DD कभी भी सेल्फ के लिए नहीं मिलता। सेल्फ अपने खुद के लिए 80DD का कभी भी डिडक्शन नहीं ले सकता एसएससी। ये डिडक्शन जब ही मिलेगा जब वो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स या सिबलिंग्स के लिए लिया जाए। और ये सारे होने चाहिए डिसेबल्ड पर्सन और डिसेबल्ड के साथ साथ होली डिपेंडेंट, डिसेबल्ड और डिपेंडेंट होनी चाहिए। अब क्योंकि ये पर्सन डिसेबल्ड है और डिपेंडेंट है असेसी के ऊपर तो असेसी इनके बिहाव पे कुछ एक्सपेंस करेगा क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है असेसी या फिर उनको मेंटेन कर रहा है, उनके रेगुलर के जो एक्सपेंसेस होते हैं डे बाई डे के खर्चे उसको मेंटेन कर रहा है या फिर इनके बिहाव पे इनकी वेलफेयर के लिए कोई किसी स्कीम में ये पैसा डिपॉजिट कर रहा है। ये कौन सी स्कीम है? नोटिफाइड स्कीम जो कि अप्रूव किया है CBDT ने। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास ये स्कीम ओपन हो सकती है। तो अगर ऐसी किसी स्कीम में असेसी कोई प्रीमियम पे करता है जिसका फायदा इन डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्संस को हो तो उस केस में भी 80DD का डिडक्शन असेसी क्लेम कर सकता है। तो देखिए ये क्या करता होगा, या तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराई होगी एसएससी ने या फिर उसको वो मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि डिपेंडेंट है उसके ऊपर, डिसेबल्ड पर्सन है, डिपेंडेंट है, उसके रिलेटिव है, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है या फिर उनके बिहाफ पे कोई ऐसी स्कीम में पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है जिससे बाद में इन पर्सन को पैसे मिले रेगुलर या फिर लंपसम बेसिस पे और फिर ये अपने लाइफ में उस पैसे को यूज कर पाए। तो इन ये सारी कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है तो उस केस में 80DD का डिडक्शन असेसी को दे दिया जाता है। अब देखते हैं कि डिडक्शन मिलेगा कितना। तो देखिए जो डिडक्शन है वो इररिलेवेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, यानी एक्चुअल में क्या एक्सपेंस हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो डिडक्शन है यहां पर बिल्कुल फिक्स है कि अगर जो पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो डिपेंडेंट है और डिसेबल्ड है, अगर वो नॉर्मल डिसेबल्ड है, नॉर्मल डिसेबिलिटी है उसको, नॉर्मल डिसेबिलिटी मीन्स कि जो डिसेबिलिटी का लेवल है, डिसेबिलिटी का वो 40% के बराबर या उससे ज्यादा है बट लेस देन 80% है, तो उस केस में जो असेसी को डिडक्शन मिलेगा वो एनुअली 75,000 रुपीज का मिलेगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैटर नहीं करता कि एक्चुअल में उसने कितना एक्सपेंस किया है इन डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर। इसी तरीके से अगर
डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव सीवियर डिसेबल है। सीवियर डिसेबल मतलब कि अगर उसकी डिसेबिलिटी का लेवल मोर देन 80% और मोर है, 80% के बराबर या उससे ज्यादा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो पर्सन है ये सीवियर डिसेबल पर्सन है। उस केस में असेसी को यानी इंडिविजुअल को जो डिडक्शन मिलेगा वो 1,25,000 पर एनम मिलेगा। तो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी का केस है तो 75,000 पर एनम, सीवियर डिसेबिलिटी का केस है तो 1,25,000 रुपीस पर एनम इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में इसने कितना खर्चा किया उनके ऊपर ये मैटर नहीं करता। नॉर्मल डिसेबिलिटी का केस होगा तो 75,000 रुपीस पर एनम का डिडक्शन एसएससी क्लेम कर सकता है अपनी आईटीआर में जब वो फाइलिंग करेगा। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी का केस है तो उस केस में पूरे साल में 1,25,000 रुपए पर एनम का वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब ये जो डिसेबिलिटी का लेवल है कि भाई 40% है या 50% है, 60 है, 70, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है एसएससी को। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकते हैं, उन्हीं का अलाउड होता है देना। तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेगा जिसके अंदर मेंशन होगा कि जो भी हमारे डिपेंडेंट रिलेटिव है उनकी डिसेबिलिटी का कितना परसेंटेज वो डिसेबल है। लेस देन 40% अगर है डिसेबिलिटी तो उसको डिसेबल्ड पर्सन नहीं माना जाता है। 40% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए डिसेबिलिटी का परसेंटेज, तो 40 से लेके लेस देन 80 तक नॉर्मल डिसेबिलिटी मानी जाती है और 80% और मोर सीवियर डिसेबिलिटी मानी जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो एनुअल जो डिडक्शन अलाउड है वो 75,000 पर एनम है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है जो कि 80% और मोर होता है तो उस केस में जो डिसेबिलिटी के लिए हमें डिडक्शन मिलेगा वो 1,25,000 रुपीज पर एनम मिलेगा। ये बिल्कुल फिक्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। हाँ, लेकिन बाकी कंडीशंस पूरे होने चाहिए। तो ये इसके साथ ही एक चीज और है कि सपोज ये जो डिपेंडेंट डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव हैं ये अपनी आईटीआर फाइल करते हैं और एटीयू का डिडक्शन क्लेम करते हैं। एटीयू का डिडक्शन आपको पता होगा डिसेबल्ड पर्सन अपनी आईटीआर में सेल्फ के लिए ही लेते हैं एटीयू का। तो अगर इस डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल की हुई है और एटीयू का डिडक्शन लिया हुआ है, उस केस में असेसी को ATDD का डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, ATDD का डिडक्शन रेसिडेंट इंडिविजुअल को या फिर HUF को मिलता है। इस डिडक्शन को लेने के लिए इस इंडिविजुअल के ऊपर किसी ना किसी अपने डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन की लायबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसको वो मेंटेन कर रहा हो, कोई इसका रिलेटिव हो जो कि डिसेबल्ड हो और इसके ऊपर होली डिपेंडेंट हो। ये डिसेबल्ड पर्सन अपना कोई भी ATU का डिडक्शन क्लेम ना करता हो, उसके बाद ये जो रिलेटिव है ये कौन हो सकते हैं? तो ये इसके स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन यानी बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, HUF के केस में HUF के मेंबर हो सकते हैं। हमारा जो असेसी है, जो इंडिविजुअल है जिसको डिडक्शन ATDD का क्लेम करना है, उसको कुछ एक्सपेंसेस करने होंगे इन डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव्स के ऊपर। वो एक्सपेंस कैसे हो सकते हैं? या तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस हो सकते हैं, या फिर जो वो उनको मेंटेन करता है पूरे साल के दौरान, जो भी उनके खर्चे होते हैं वो पूरे करता है, तो मेंटेनेंस के खर्चे हो सकते हैं, या फिर असेसी ने इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है उसने उनके नाम से कोई इंश्योरेंस स्कीम ले रखी हो जो कि नोटिफाइड होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय CVDT होना चाहिए, ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम में उसके ब्याह पे पेमेंट डिपॉजिट कराता हो, प्रीमियम पे करता हो, जो आगे इन फ्यूचर बेनिफिट करे इन पर्संस को। तो अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं या कुछ भी इनमें से हो रहा है तो उस केस में ATDD का डिडक्शन असेसी को मिल जाएगा। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी का केस है तो 75,000 पर एनम मिलेगा, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी का केस है तो 1,25,000 रुपीज पर एनम मिलेगा। और ये नॉर्मल है या सीवियर है इसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी जो कि ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर दे देते हैं, और उसी बेसिस पे हम डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो ये पूरा सेक्शन हमने अच्छे से समझ लिया। इसमें सिर्फ एक चीज ये आप समझिए कि अगर डिसेबिलिटी 40% से कम है तो उस केस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नॉर्मल डिसेबिलिटी का मतलब होता है 40% या मोर देन 40%, इक्वल टू 40% और मोर देन 40% नॉर्मल डिसेबिलिटी कहा जाता है। 40% से कम डिसेबल अगर पर्सन होगा तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ये कभी भी सेल्फ के लिए नहीं मिलता है। ATDD कभी भी सेल्फ के लिए नहीं मिलता, ये मिलता है अदर देन सेल्फ यानी स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग, इनके लिए मिलता है।
और ये सारे उनके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, किसके ऊपर, असेसी के ऊपर। तो असेसी के लिए खुद के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन उसके स्पाउस के लिए मिल जाएगा, उसको उसके बच्चे के लिए मिल जाएगा, पेरेंट्स के लिए मिल जाएगा, ब्रदर और सिस्टर्स के लिए मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वो डिसेबल्ड होने चाहिए और साथ ही साथ असेसी के ऊपर डिपेंडेंट भी होने चाहिए। कैसे डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट। और इसके साथ ही ये सारे पर्सन जिनकी भी मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने ATU का डिडक्शन क्लेम ना किया हो, तो ATU का अगर डिडक्शन क्लेम हो जाता है तो ATDD का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो ये है पूरा ATDD का सेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, बहुत आसान है, एक दो बार आप इसको गो थ्रू करेंगे अच्छे से तो और आप क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।